चले आगे बढ़ेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बवाल हुआ। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने वीसी को खत लिखा है और पूछा है कि देश को बांटने वाले की तस्वीर को आखिर विश्वविद्यालय में क्यों लगाया गया है। एएमयू में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का क्या मतलब है और किन कारणों से तस्वीर यहां पर लगी है। तो सतीश गौतम ने एएमयू में पाकिस्तानी जिन्ना की तस्वीर को लेकर यहां पूछा है कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कितनी प्रासंगिक है जिन्ना की ये तस्वीर। देखिए, मुझे आपके माध्यम से पता लगा है, मैं वीसी साहब से बात करूंगा, मेरी नॉलेज में नहीं, वीसी को पूछूंगा लगी है या नहीं लगी है। आपने मुझे बताया, इससे संज्ञान लूंगा, वीसी को पत्र के द्वारा जवाब मांगूंगा अगर लगी है तो। भारत पहली बार पता लगा है, उसके बारे में वार्ता करूंगा। जिन्ना की तस्वीर नहीं होगी और आप कह रहे हैं कि लगी हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनियन हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी रहा हूं, मैंने देखा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आजादी से पहले से लगी है या आजादी के बाद से लगी, हिंदुस्तान की आजादी, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1938 में आए और तब उस वक्त की मौजूदा यूनियन ने उनको लाइफ मेंबरशिप दिया। और मोहम्मद अली जिन्ना की तो आज के वक्त में जो है पार्लियामेंट के अंदर फोटो लगी है, उसको क्यों लोग उस पर क्यों नहीं शूट आते हैं। उनको सदस्यता ली गई थी तो अभी सदस्यता एक प्री पार्टीशन पीरियड की एक चीज है, अब वो बहुत से लोगों को दी गई है, अब उस पर जाहिर है अगर होगा तो यूनिवर्सिटी जाहिर है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने ये उससे पहले फैसला किया था, तो अब वही दी गई है डिग्री, अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कॉलेज के प्राचार्य हैं, जो कॉलेज प्रशासन का तर्क है विश्वविद्यालय का, उसका ये कहना है कि जो ये विश्वविद्यालय है ये दरअसल भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे पहले का बना हुआ है और उस वक्त आजीवन सदस्यता दी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को, तो ऐसे में एक सदस्य के तौर पर उनकी तस्वीर यहां लगाई गई है। लेकिन जो बीजेपी के विधायक हैं उनका कहना है कि एक ऐसा शख्स जिसने देश का बंटवारा किया, जिसने अलग पाकिस्तान बनाया, उसकी तस्वीर का